आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। नवनीत राणा का तंज आखिर दिन तक लालच न छोड़ पाए, पिता की मेहनत की बर्बाद। कन्हैया लाल की हत्या पर सचिन पायलट का आक्रोश, कहा हमेशा के लिए करना होगा खत्म। हाई टेंशन लाइन गिरने से सात की मौत, आंध्र प्रदेश में ऑटो पर गिरा बिजली का तार, मजदूरों की जान गई। लैंडस्लाइड में धंसा आर्मी कैंप, मणिपुर की टेरिटोरियल आर्मी के 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे, सात के शव निकाले गए। के हत्यारे आतंकी स्लीपर सेल बना रहे थे, मर्डर का हथियार गौस ने बनाया, रियाज की शादी आतंकियों ने कराई। देश में एक्टिव केस फिर 1 लाख के पार, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, महामारी खत्म नहीं हुई, 110 देशों में संक्रमण फिर मिला। महाराष्ट्र की सियासत, कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक से किया इनकार। बिहार में ढहा ओवैसी का किला, आरजेडी ने 4 एआईएम विधायक तोड़, 2 साल बाद बदल दी सीमांचल की राजनीति। सरकार गिरने के बावजूद तेवर में संजय राउत। सोलह साल की गुड़िया के रेप और हत्या को बताया मामूली वारदात, विवादों में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। भारत में फिर डर आने लगा कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 18,819 नए मामले दर्ज, संक्रमण से 39 लोगों की मौत। कन्हैया मर्डर के खिलाफ उदयपुर में सड़कों पर जन सैलाब, खामोशी से जाहिर किया आक्रोश। अमरनाथ यात्रा का पहला दिन, हर 5 कदम पर पुलिस का जवान तैनात, लंगरों में लग्जरी होटलों जैसा इंतजाम। मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत को राहत नहीं, हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत। पंजाब को मिलेंगे नए डीजीपी, वीके भावरा की केंद्र जाने की तैयारी, मूसेवाला मुद्दे से नाराज सरकार। आजमगढ़ में सड़क के किनारे मिली सिर कटी लाश, मामले की शिनाख्त के लिए एसपी अनुराग आर्य ने 5 टीमें की गठित। गाजियाबाद में युवती की हत्या कर जलाई लाश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के पास मिला शव। कार सवारों की हुड़दंगी आई नजर, कार में सवार होकर किया हुड़दंग। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गौ तस्करों को किया गिरफ्तार।
हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिला। राजस्थान की घटना के बाद देश के कोने कोने में लोगों में आक्रोश। निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएफ। हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग जगह पर। राजस्थान की घटना के बाद आक्रोश। गुड़िया से है वानियत की हद पार, मासूम को बनाया है वानियत का शिकार। शादी की जिद पर अड़ी दो सहेलियां। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीनी विवाद में दो पक्ष आए आमने सामने। ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना आई सामने। लाल बत्ती लगाकर दर्शनबाजी करते नजर आए बदमाश, पुलिस ने लिया संज्ञान। झांसी में थाने के पास छात्रा से छेड़छाड़, कॉलेज से घर लौटते वक्त युवक ने हाथ पकड़ा, लड़की ने दर्ज कराया केस। कन्नौज जेल में 156 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण, 50 का कारागार में किया गया उपचार, हालत गंभीर होने पर 8 जिला अस्पताल रेफर। मुरादाबाद में सड़कों पर खून बहाने की धमकी का वीडियो आया सामने, कहा कन्हैया के हत्यारों को बीच सड़क गोली मारे सरकार। सीतापुर में सरकारी दफ्तरों के परिसर में हुआ जल भराव, बरसात के पानी से तालाब बनी नजर आई सड़कें, खुली प्रशासन की पोल, कई जगह पर नाले हुए ओवरफ्लो। जौनपुर में उदयपुर में हत्या के विरोध में प्रदर्शन, बजरंग दल और करणी सेना ने पुतला फूंकने का किया प्रयास। बलिया में विहिप के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका, उदयपुर घटना से लोगों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर हुए थे घटना। फतेहपुर सड़क हादसे में युवक की मौत, बड़े भाई को छोड़ने गया था छोटा भाई, जा रहा था मुंबई। युवक ने अपने घर में दिया घटना पंजा। औरैया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की मौत, घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, ग्रामीणों ने चालक को दौड़ाकर पकड़ा। देवरिया में मानसून के दस्तक से ही सड़कें खस्ता हाल, जल भराव से टूटी सड़कों पर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को लोग मजबूर। बदायूं में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, रास्ते से गुजरते वक्त ऊपर से टूट कर गिरी केबल, तड़प कर तोड़ा दम। बाद में पर्ची का रंग देखकर अधिकारी करेंगे सुनवाई, गुलाबी टोकन को डीएम और पीला टोकन की फरियाद को एसडीएम सुनेंगे। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा साथी फरार।
बरेली की युवती की ट्रेन में हत्या। संभल के चंदौसी स्टेशन पर दिव्यांग कोच से उतारा गया शव, गला दबाकर हत्या। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरकर तीन युवकों की मौत। बाइक सवारों ने सफाई कर्मी को मारी टक्कर। काशीवासियों को देंगे 1800 करोड़ की 45 परियोजनाओं की सौगात। बरेली में ड्रग्स माफिया सोनू कालिया की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर, टीम से भिड़े आरोपी की पत्नी। शामली में जयंत चौधरी ने अग्निपथ योजना पर युवाओं को उकसाया। पीएम मोदी और सीएम योगी को कहा जंगल का विचार। धामी सरकार के 100 दिन हमरो पहाड़ टाइटल सॉन्ग रिलीज कर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष ने उठाए सवाल। हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा 100-100 करोड़ रुपए में खरीदे विधायक। नशे की हालत में किया था मां बेटी से दुष्कर्म, रुड़की में वारदात को अंजाम देने वाले पांचों आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, बारिश से बद्रीनाथ गौरीकुंड हाईवे बंद। सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक यात्री मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 48 नए संक्रमित, एक महीने में बढ़े 22% सक्रिय मामले। सरकार के 100 दिन महंगाई भत्ते की सौगात दी तो काम के लिए भी दिखाया सख्त रुख। धार्मिक उन्माद बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, उदयपुर हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन को किया चौकस। सरकार के 100 दिन के प्रमुख फैसले। गढ़वाल कुमाऊं में तैनात रहेंगे एक एक हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री धामी ने कहा अगले 3 महीने महत्वपूर्ण। हैवानियत का शिकार मासूम अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग, गिरफ्तारी में आया वारदात का सूत्र। उत्तराखंड में पहली बनी सुअरों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद भी डॉक्टर नहीं लगा पा रहे बीमारी का पता। नूपुर शर्मा के पक्ष में लिखी पोस्ट, पाकिस्तान सऊदी अरब से आ रहे कॉल, उदयपुर की घटना से डरे। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे यात्रियों से भरे वाहन पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर, एक ही मौत, मददगार बनी रेलिंग। रुड़की में जमीन की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर दबोचा। गोपेश्वर में सड़क पर गिरा बोल्डर। तीन साल में 5वीं बार इलेक्शन होंगे, येर लापेज में केयरटेकर सरकार की कमान।
भारतीय दूतावास की हिफाजत करेगी आईटीबीपी। काबुल में हिमवीर कमांडो को मिली दोहरी जिम्मेदारी। अमेरिकी गवर्नरों ने भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक पर दिया जोर, कहा इससे नए कौशल के साथ देश में रोजगार सृजित हो गया। कोरोना से डरे शी जिनपिंग 2.5 साल बाद घर से निकले, पहुंचे हांगकांग, मनाएंगे घर वापसी की 25वीं सालगिरह। इमरान खान ने पाकिस्तानी खजाने को लगाया था चूना, तोहफे में मिली घड़ियों को बेच कमाए करोड़ों रुपए। ईयू देश जलवायु उपायों पर सहमत, 2035 तक नई कारों से कार्बन उत्सर्जन खत्म करने वाले समझौते पर सहमत। मंगल पर एलियन के सबूत से मात्र 7 फुट दूर है नासा का रोवर, जल्द खुल सकता है लाल ग्रह के राज। यूक्रेनी शहर माइकोलाइव में एक बिल्डिंग पर हमले में 2 की मौत, रूस ने 144 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा किया। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पर कसा तंज, पुतिन महिला होते तो नहीं करते यूक्रेन युद्ध की शुरुआत। नाटो ने चीन को बताया सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा, कहा रूस के साथ घनिष्ठ संबंध पश्चिमी हितों के खिलाफ। बायजूस में छठी अधिग्रहण, एक साथ फर्म ने 2500 कर्मचारियों को निकाला, उधर अमेरिका की एडटेक कंपनी को खरीदने की तैयारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिल टीना अंबानी के खिलाफ रोकी जांच, 1.5 लाख करोड़ के फ्रॉड में यूपी सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां प्राइवेट रिफाइनरियों को भी बेच सकेंगी तेल, पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी। आंध्र, गुजरात और तेलंगाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर, वित्त मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। विज्ञान भवन में पीएम मोदी बोले 8 सालों में एमएसएमई का बजट 650% बढ़ाया गया। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना समेत ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी नुकसान में। घंटे में 10 लाख करोड़ बेबी डोज कॉइन भेजे गए डेड एंड वॉलेट में, कीमत में उछाल। आईपीओ से पहले चश्मा बनाने वाली लेंसकार्ट का बड़ा दाव, जापान की कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी। रुपया 18 पैसे टूटा, अब तक के निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले 79 के पार पहुंचा रुपया। जीएसटी काउंसिल की बैठक, पैकेट वाले आटे पापड़ पर लगेगा टैक्स, कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला बाद में। रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे बर्मिंघम टेस्ट, बुमराह पहली बार करेंगे कप्तानी, 36 साल बाद किसी तेज गेंदबाज को मिली टीम इंडिया की कमान। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में, साइना नेहवाल बाहर।
बाबर ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन तक नंबर एक बल्लेबाज बने ईशान सातवें स्थान पर। कोहली की फॉर्म पर अजीत अगरकर ने कही बड़ी बात, बोले कोहली को पता है कि इंग्लैंड में रन कैसे बनाने हैं, वहां गेम चेंजर होंगे गेंदबाज। टेस्ट मैच से पहले बोले एंडरसन, इंग्लैंड के बल्लेबाज निडर, 20 साल में कभी ऐसी टीम नहीं देखी। कोच द्रविड़ बोले विराट 50-60 रन भी बनाएंगे तो चलेगा, पुजारा से ओपनिंग कराने के दिए संकेत। तूफानी बारिश ने गाले स्टेडियम में मचाई जोरदार तबाही, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट हुआ प्रभावित। भारत इंग्लैंड टेस्ट में कमेंट्री नहीं कर पाएंगे माइकल वॉन, बीबीसी पैनल से हटे पाक क्रिकेटर पर महंगा पड़ा तान। केएल राहुल की जर्मनी में सफल सर्जरी, शेयर की मुस्कुराती तस्वीर, जर्मनी से फैंस को दिया रिकवरी अपडेट। आयरलैंड में धनश्री का धाकर डांस, चहल की वाइफ ने गोविंदा के गाने पर किया धमाल, 10 लाख से ज्यादा बार देखी गई वीडियो। उद्धव के इस्तीफे के बाद कंगना का तंज, बोली पाप बढ़ने पर सर्वनाश होता है, इसके बाद सृजन फिर कमल खिलाता है। अली खान ने बेटी का वीडियो किया शेयर, कुणाल खेमू और इनाया ने इंडोर बाइक राइड में टोक्यो ड्रिफ्ट। अक्षय कुमार ने लगाया स्टॉल, एक्टर ने ऑन स्क्रीन बहनों को अपने हाथ से खिलाई पानीपुरी, वीडियो हुआ वायरल। स्वरा भास्कर को मिला धमकी भरा खत, लिखा आराम से फिल्म में बनाओ नहीं तो जनाजे उठेंगे। तारक मेहता में नए नट्टू काका की एंट्री, 9 महीने के बाद दिवंगत एक्टर घनश्याम नायक का हुआ रिप्लेसमेंट, किरण भट्ट ने ली जगह। केजीएफ के एंड्रयू का हुआ कार एक्सीडेंट, बीएस अविनाश की मर्सिडीज वेंस को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बची एक्टर की जान। कार्तिक आर्यन का क्यूट वीडियो आया सामने, डॉग्स के साथ खेलते नजर आए एक्टर, लिखा प्यार जितना मिले उतना कम लगता है। शाहरुख की फिल्म ओटीटी पर 120 करोड़ में बिके जवान के डिजिटल स्क्रीनिंग राइट्स, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। जिया खान सुसाइड केस ने लिया नया मोड़, सूरज पंचोली ने एक्ट्रेस की मां के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की। अवरोध 2 के नेगेटिव रोल पर अहाना कुमरा बोली खुद को भाग्यशाली समझती हूं कि ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।